जगन्नाथ राज हो। ये जो पूरा मामला जो बवाल हुआ है उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वजह यह है कि रामलीला कमेटी में लड़के गए थे और नाच को लेकर के विवाद हुआ है और नाच में एक पक्षी उस लड़के को 5-6 लोग रामलीला कमेटी के मारे, उसके बाद मार करके घायल कर दिए। सुबह ये लड़के मौका पाए हैं उनको तो उनको भी मार दिए, ये दोनों बराबरी हो गया। इस पर मर्दा पुलिस जो है एक पक्षी केवल भरों को ले आकर के बंद कर दी। अब बंद करके 2 दिन बंद की थी, आज दूसरा दिन है। सुबह एक पक्षी मार रही थी, गांव के लड़के गए, अब गांव की औरतें गई, मर्द गए तो देखे हैं सामने ही पीट रहे हैं। अच्छा, ये बस्ती के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घरों में घुस के मारा पीटा है, सामान को तोड़ा है। कब की घटना है ये? आज ही सुबह 9 बजे की। कितने लोगों को चोटें लगी हैं? कम से कम 15-20 औरतें हैं। 15-20 औरतें जी। एक मिनट, मेरी पूरी बात जान लीजिए। जब मारे हैं लोग तो लड़की औरतें सब देख रही थी, अब वो आप बाहर आकर के चिल्लाना शुरू की कि हमारे लड़के को मारे, लड़के को। गांव के करीब का गांव है, सारे लोग जुट गए और देखने लगे कि एक लड़का जो बंटी था वो मार करके मार दिए, बेहोश हो गया। तब गांव के लोग तत्पर हुए और उधर से लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस आकर के पूरा औरतों को घर में घुस घुस करके, जेंट्स पुलिस भी घर में घुस करके एसओ सारे लोग मारे हैं। कल दिनांक 15 अक्टूबर को ये शशि प्रकाश सिंह हैं, उन्होंने सूचना दिया था कि सर 14:15 रात में जो रामलीला मर्दा में हो रही थी उसमें राजभर और कुछ पासवान लोगों ने आ करके जहां कलाकार तैयार हो रहे थे वहां पर उन्होंने बड़ी अभद्रता की और कलाकारों के साथ मिसबिहेव किया, माइक भी तोड़ दिया और जब ये बोले तो इनको मार दिया, इनके सर में भी चोट आ गई थी। इस पर इनका मुकदमा लिखा गया था जिसमें 5 लोगों को पकड़ा गया था, थाने में लाया गया था। उसमें से आज एक लड़के को जो थोड़ा तबीयत खराब हुई उसे जब पुलिस ले जाकर के भर्ती कराने जा रही थी तो इन लोगों ने कहा कि पुलिस ने इसे मार दिया, ये मर गया है। इस पर इन लोगों ने एक पत्थर चला दिया जिसमें थाना अध्यक्ष का सर फट गया, 6-7 पुलिस वालों को भी चोटें आईं और फिर इनको बताया गया, माने नहीं, तब इनको हल्का सा बल प्रयोग करके भगाया गया वहां से। वो जो बंटी राजभर है उसे सदर अस्पताल लाया गया, मैं भी सदर अस्पताल गया था। डॉक्टरों ने आते ही उसका बीपी चेक किया था, बिल्कुल ठीक था वो, उसे दवा दी गई और वो बिल्कुल ठीक है, इस समय हॉस्पिटल में है। उनके घर वालों से भी बातचीत करा दी गई है। ये जो अफवाह है कि वो मर गया है वो बिल्कुल झूठी है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है,